हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं राहुल कुमार पांडे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर यू सी द साउंड वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड और नॉट, वी हैव सीन इन द प्रीवियस केसेस लाइट एंड साउंड रिलेशंस। साउंड और लाइट के बीच में रिलेशंस को हमने देखा था बच्चे कि रेनी सीजन में लाइट जो है वो आपका सबसे पहले हम लोग को दिखाई देता है, देन आफ्टर वी कैन हियर द साउंड, दैट इज साउंड ऑफ थंडर। तो ये जो है बच्चे हम लोगों ने रिलेशन देखा था। अब हमारे पास क्वेश्चंस ये हैं कि क्या जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं क्या उसी तरह से साउंड भी रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या वो जो लॉ फॉलो करते हैं क्या ये सेम लॉ साउंड भी फॉलो करते हैं। ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस बच्चे हम लोगों को दिखाई देते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट होने से आपके इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, तो क्या साउंड को रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, क्या घटनाएं होती हैं, इसके फिर एप्लीकेशन क्या क्या है। साउंड अगर रिफ्लेक्ट होते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट है, हम इसको क्यों पढ़ें, इन सारे क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू नो टुडेज क्लास। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द डेफिनेशन ऑफ साउंड, definition of sound, and then we will discuss about the laws of reflection, and then after we will discuss application of reflection of sound. तो इसके बाद हम लोग discuss करेंगे application of reflection of sound. So dear student, what we are going to discuss, हम लोग क्या discuss करने जा रहे हैं आज की इस class में। So there are three सब टॉपिक वी हैव टू डिस्कस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज व्हाट, जस्ट लाइक दैट, सपोज यहां पे मैंने क्या किया कि इस ये जो मार्कर है मेरा पेन है, इसको मैंने ये जो है सॉरी यहां पे टाइप किया, तो ये जो है वो आपका बाउंस बैक उस ढंग से नहीं हो रहा जिस ढंग से अगर हम यहां पे बॉल को लें, ठीक है, बॉल को लें या फिर जो है मैं इस तरह से आप ये कर, तो ये ठीक ढंग से आपका बाउंसिंग बैक या रिटर्निंग बैक नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम लोग देखें बच्चे लाइट को, अगर मैं इस पे फोकस करूं, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि लाइट जो है उस बोर्ड पे पड़ रहा है, तो कुछ जगह जो है वो आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन के थ्रू आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड को, इस पे जो लिखा हुआ है, और कुछ जगह आपका साइन कर रहा है। तो जो साउंड है, साउंड भी आपके बच्चे इसी तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं, जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं उसी तरह से आपके साउंड भी रिफ्लेक्ट होते हैं, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, रिफ्लेक्शन जो वर्ड है ये देखिए एक आपका फिनोमिना है, जिस वर्ड के लास्ट में आईओएन होता है वह एक तरह का फिनोमिना होता है। ओके, तो जो ये रिफ्लेक्शन वर्ड है वो आपका किस वर्ड से आया है, रिफ्लेक्स वर्ड, रिफ्लेक्ट वर्ड से, और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टू रिटर्न बैक और बाउंस बैक। तो बाउंस बैक या फिर रिटर्न बैक, अब किसी भी चीज का यहां पे साउंड का रिटर्न बैक होगा या बाउंस बैक होगा तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कर देंगे। अगर मार्कर का रिटर्न बैक हुआ है, बाउंस बैक हुआ है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ मार्कर हो जाएगा। अगर बॉल का हुआ है तो बॉल हो जाएगा, अगर लाइट का हुआ है तो लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे हम लोग समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब चलिए हम लोग अपने पेपर में लिखेंगे कैसे इसका आंसर, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो रिटर्निंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स, वहां पे लाइट वेव्स थे या लाइट वेव्स था, यहाँ पे वेव्स होंगे। तो रिटर्निंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स स्ट्राइकिंग अ सरफेस लाइक बॉल, मेटल, शीट, प्लाई, इट इज। तो ये सब जो सर्फेसेस हैं, इस ये सब सर्फेसेस से आपके अगर साउंड रिफ्लेक्ट है, इनसे ये आपका स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न हो गया, तो हम इस तरह की घटना को, इस तरह के फिनोमिना को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर, दैट मींस द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या बच्चे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम है लाइट वेव्स की तरह या लाइट रेज की तरह, तो चलिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटीज कैसे करेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि दो जो है आपका पाइप ले लीजिए, जिस तरह से हम लोगों ने लाइट वेव्स को
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, या लाइट वेव्स के रिफ्लेक्शन को हम लोग एक्टिविटीज के थ्रू प्रूफ करते हैं या वेरीफाई करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के लिए भी एक्टिविटीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं वर्चुअली बता रहा हूँ, आप लोग घर पे जो है बिल्कुल कीजिएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि एक आपका ये सरफेस है, इस सरफेस पे आपको क्या करना है कि दो आपको होलो सिलेंडर लेना है, पाइप होलो सिलेंडर पाइप, एक आपको इस तरह से रख देना है, एक आपको इस तरह से बिल्कुल जस्ट लाइक दैट बिल्कुल आपको इस तरह से रख देना है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे, सपोज मान लो कि कोई आपका वेल है या फिर वॉच है, जो टिकटॉक वॉच होता है, आप वहां पे जो है वो उसके एंड के पास, उसके माउथ के पास आप रख देंगे, और फिर जो है आप इधर इस एंड पे, इस दूसरे पाइप के एंड पे आकर के आप जो है हेयर करेंगे, तो ये अगर आप बचता है तो क्या देखोगे कि साउंड जो आपका रिफ्लेक्ट होकर के आपके कानों तक आ रहा है। सो दिस मीन्स दिस शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड थ्रू द सेम लॉ, थ्रू द सेम लॉ, दैट मीन्स व्हाट, यहां पर जो है बच्चे हम लोग क्या पढ़े थे कि एक आपका सरफेस है, ये सरफेस है, अब सरफेस के थ्रू जो है एक आपका लाइट रेस आता था, तो यहाँ पे जो है किसी एंगल के थ्रू ये रिफ्लेक्ट हो जाते थे, राइट। तो सेम जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस आप इसमें भी होंगे, लाइट वेव्स साउंड वेव्स में भी होंगे। तो साउंड वेव्स के केस में ये जो है वो आपका हम लोग ये देखेंगे, ये बिल्कुल इस तरह का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। तो यहां पे जो है ये आपका क्या हुआ, ये एंगल नॉर्मल, दिस इज द, दिस इज इमेजिनरी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस सरफेस, ओके, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, राइट। और ये जो इंसिडेंट हो रहा है इनको हम इंसिडेंट लाइट कहते थे, बट इन द केस ऑफ साउंड वी हैव टू से इंसिडेंट वेव्स। कुछ और भी कंसेप्ट जो है वो इलाबोरेटिव ढंग से हम लोग पढ़ेंगे बच्चे हर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को सीखना है बस इतना ही सीखना है, और इतना सीख लेंगे तो काफी हम लोग फिर। तो ये इंसिडेंट वेव है, और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द सरफेस, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव्स, राइट। तो ये आपके इंसिडेंट वेव्स हो गई, ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव्स है, ये आपके नॉर्मल है, ये आपका सरफेस है, और ये जो है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट वेव, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज डिवाइडेड बाय आई, एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वेव, सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग ने बच्चे क्या पढ़ा था, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ क्या होते हैं, तो पहला जो लॉ था वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे भी सेम होगा इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स के केस में भी आपका जस्ट लाइक लाइट की तरह होगा, एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होंगे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा, ये वेरीफाई आप कर सकते हैं। इसकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन जो है वो आप लोग को हाई क्लासेस में सीखना, तो वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल विल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हम लोगों ने कहा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट वेव्स, रिफ्लेक्टेड वेव्स एंड नॉर्मल आर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, सो दिस आर कॉल्ड द सेकेंड लॉ, ओके। तो ये जो हम इस तरह से हम लोग डिस्कस किया बच्चे, तो हम लोग देखा, आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो मैंने स्टार्ट में पूछा था, कि आपका जो साउंड वेव्स है या जो साउंड है वो आपके रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट। यहाँ पे लाइट वेव की तरह, लाइट रेस की तरह ये भी रिफ्लेक्ट होता है। अब जो जिस तरह का लॉ फॉलो करता है लाइट, उसी तरह का आपका साउंड भी लाइट को फॉलो, लॉज को फॉलो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, साउंड एंड लाइट्स में जो है आपके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उसी के आधार पर जो है वो ये कंसेप्ट आपका मिला है, और इसके जो एप्लीकेशन से बच्चे, जैसे हम लोगों ने देखा कि वहां पे इमेजेस बनते थे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ पे फिर क्या होंगे तो हम लोग देखेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दैट वी विल डिस्कस सम मोर थिंग्स, सो व्हाट आर दोस मोर थिंग्स, सो सी दैट। यहाँ पे लिखा गया बच्चे, एज लाइक लाइट, लाइट के जैसा साउंड इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, एंड ट्रांसमिटेड एंड फ्लो भी होता है टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट मटेरियल्स।
अब देखिए बच्चे, हम लोगों ने लाइट में भी देखा था कि लाइट अगर कोई किसी सरफेस पे पड़ रहे हैं तो सरफेस बेसिकली हम लोगों के पास दो तरह के सर्फेस है, तो आपका रफ सर्फेस था और एक आपका स्मूथ सर्फेस था। तो रफ सर्फेस से हम लोग देखा था कि ई रेगुलर रिफ्लेक्शन होता था, ओके, या फिर हम लोग कहते थे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वही अगर स्मूथ सर्फेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लोग कहते थे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पे भी सेम केस मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्सटेंट जो है वो रिफ्लेक्शन होंगे। तो हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जो है स्मूथ सर्फेस को गुड रिफ्लेक्टर कहते थे, और जो रफ सर्फेस होते थे उनको हम लोग बैड रिफ्लेक्टर कहते थे। लेकिन उनकी भी अलग अलग इंपॉर्टेंस थी, वो बैड सर्फेसेस या रफ होने के वजह से भी हम लोग जो है उन चीजों को पढ़ पाते या देख पाते हैं। खैर, हम लोग को इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए स्मूथ सर्फेस या हाईली पॉलिश सर्फेस की नीड पड़ती है। यहाँ पे हम लोग को बच्चे सेम थिंग्स यहाँ पे होंगे। सॉल्ट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड की बात हम लोगों ने कर दी। एब्जॉर्ब का मतलब ये हुआ कि सॉल्ट जो है आपके, अब लाइट भी जो है वो किसी के थ्रू एब्जॉर्ब होते थे, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होते थे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के थ्रू। तो सॉल्ट वेव्स भी आपका क्या होगा, ये जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसमिटेड। अब कुछ जो लाइट है वो किसी के थ्रू फ्लो हो जाते थे, जैसे ना आपका ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट वाले में आपके क्या होते थे, वो फ्लो होते थे, दैट मीन्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन मीडियम टू अनदर मीडियम वो इंटर करते थे। ठीक उसी तरह से आपका ट्रांसमिटेड भी होगा, मीन्स ये आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ओके। तो ये जो है वो आपके लाइट की तरह है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, मींस डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा साउंड का वो आपका डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में होगा। मींस अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्या सारे ऑब्जेक्ट जो वो सेम अमाउंट में साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो नहीं, इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, नो होगा। जितने भी मटेरियल्स हैं वो सेम अमाउंट में लाइट साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो उनकी एक एक्सटेंट है। जैसे में सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज होती है, तो उसी एबिलिटी के आधार पर जो है वो क्या करेंगे, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे। कुछ जो है वो आपका साउंड, कुछ मटेरियल्स होते हैं वो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ, और कुछ जो है वो आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो ये सब जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, राइट। इसके आगे जो है वो आपका कुछ एप्लीकेशंस भी हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हम लोगों के पास, हार्ड सर्फेसेस लाइक कंक्रीट वॉल्स, मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। अब ये जो हार्ड सर्फेसेस होते हैं बच्चे, हार्ड सर्फेसेस आपका गुड रिफ्लेक्टर्स माना जाता है साउंड का, क्योंकि ये जो है वो आपका ऑलमोस्ट 90% से एवर जो है वो साउंड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एवर 90% साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में, पिछले वीडियोस में बताया था, पिछले क्लासेस में आपको बताया था, अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप बिल्कुल वहां से जाकर देख सकते हैं। जैसे मैं आपके पास दो तरह के डोर है बच्चे, एक आपका वुडन ब्लॉक का डोर है और एक आपका आयरन मेटल्स का बना हुआ डोर है। अब दोनों पे सेम इंटेंसिटी के साथ स्ट्राइक कीजिए तो आपको जो है वो साउंड किससे जो है वो ज्यादा सुनाई देता है या किससे आप ज्यादा परसीव कर पाओगे, तो आप बिल्कुल जो है वो वहां पे कॉमन सा आंसर होगा कि जो मेटल या आयरन का जो बना हुआ है वो उससे जो है आपका साउंड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या उससे ज्यादा साउंड हमें सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है बच्चे कि साउंड जो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स वहां पे साउंड प्रोड्यूस हुआ तो रिफ्लेक्शन उनका ज्यादा हो रहा है, तब जो है वो हम लोग उसको ज्यादा इंटेंसिटी या ज्यादा अमाउंट में सुन पा रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम इंटेंसिटी के साथ साउंड प्रोड्यूस हुआ लेकिन वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से हम इनके साउंड को उतना ज्यादा परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है बच्चे कंक्रीट वॉल्स जो है, मेटल्स हैं, ये सब आपके हार्ड सर्फेसेस खास करके, ये एग्जांपल्स है कंक्रीट वॉल्स, मेटल्स, ये सब जो भी हार्ड सर्फेसेस होंगे वो आपके गुड रिफ्लेक्टर्स माने जाएंगे। हीट में भी बच्चे हम लोग इसी टाइप की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे हीट तो उसमें हम लोग देखेंगे। लाइट में भी आपका बिल्कुल सेम थिंग्स का होता है, साउंड में भी आपका इसी टाइप का देखने को मिला है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स। पोरस का मतलब होता है बच्चे बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप का, या फिर जिसमें आपका छिद्र टाइप का होता है, होल टाइप का होते हैं बहुत सारे, ओके। तो जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं या फिर पोरस मटेरियल्स होते हैं, स्पॉन्जी मटेरियल्स जो होते हैं, वे जैसे में आपका क्लॉथ हो गया, थर्मोकॉल हो गए, कॉटन हो गए या वुल हो गया, वुल में आप लोग देखते होंगे कि उसमें आपका बिल्कुल होल टाइप का बहुत सारे बने हुए रहते हैं। तो ये सब जो मटेरियल्स है वो आपके गुड एब्जॉर्बर्स, मीन्स ये जो है वो साउंड को लगभग लगभग जो है आपके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से हम इनको कहते हैं क्या, पुअर रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। मीन्स हार्ड सर्फेसेस जो होते हैं वो आपके बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड है, लेकिन
जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं वो आपके पुअर रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड है, दैट मींस ये ठीक ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता साउंड को, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कई सारे एग्जांपल जो है वो आप लोग देखेंगे बच्चे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, दैट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के जो कंसेप्ट है उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो वेयर we can use the concept of this reflection of sound. So actually we can see there are mainly five application of sounds, but we can use various in the various ways. So what are those main the application of sound is? So first we will see the application in the case of ear trumpet or hearing aid. देखिए बच्चे, आप लोग कभी कई सारे जो है वो ओल्ड पर्सन को या ओल्ड पीपल को आप देखे होंगे, या कुछ वैसे कभी कभी बच्चे भी होते हैं जिनके कान में जो है उस एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू वो जो जो साउंड की जो परसीविंग कैपेसिटी होती है जिनको ठीक ढंग से सुनाई नहीं देता है, उनको डॉक्टर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं और तब जाकर के वो अपने कान में उस डिवाइस को लगाते हैं। उस डिवाइस को हम कहते हैं बच्चे हियरिंग एड, जो सुनने में मदद करता है। एड का मतलब है सहायता और हियरिंग का मतलब है सुनने में जो मदद करता है, या फिर उन्हीं को हम ईयर ट्रम्पेट कहते हैं। तो ये जो है वो जो कम जिनको कम सुनाई देता है वो इस तरह के डिवाइस को यूज करते हैं, अपने जो हियरिंग कैपेसिटी होती है या हियरिंग जो एबिलिटी होती है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो एक तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कंसेप्ट का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेगाफोन और लाउड स्पीकर। मेगाफोन और लाउड स्पीकर में भी हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही कंसेप्ट होता है बच्चे। मेगाफोन और लाउड स्पीकर आप लोग ने अपना घर में या फिर जो पार्टी में ये सब में देखे होंगे, मेगाफोन या लाउड स्पीकर हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं। अब तो खैर ये सब ट्रेंड जो है वो आपका हटते चला जा रहा है, लेकिन हम लोग यूज करते थे और अभी भी कुछ इलाकों में होते भी हैं। तो ये जो आपका ये जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ही कंसेप्ट पे बेस्ड है बच्चे, ठीक है। तो ये है आपके मेगाफोन और लाउड स्पीकर। बेसिकली आप लोगों को इस स्टडी में जो है इसका यूज जानना है किस तरह से हम यूज करते हैं, ओके। इसके प्रिंसिपल, इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है या किस तरह से वर्क करता है, ये सब जो है आप लोगों को हायर क्लास में देखना, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, वो अपकमिंग वीडियोस में आएगा, ठीक है, जब हम लोग हायर क्लासेस की क्लास करेंगे तब। उसके बाद अगर आपको साउंडिंग बोर्ड्स में भी आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कंसेप्ट यूज होता है। आप अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आपको गूगल कीजिए और साउंडिंग बोर्ड्स का जो एक किट होता है आप उस किट को जो है वो देखिए, बिल्कुल आपको इसमें नजर आएगा कि किस तरह से जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स का इस्तेमाल या हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं। उसके बाद बच्चे स्टेथोस्कोप एक तरह का डिवाइस है जो कि डॉक्टर्स के पास होते हैं। डॉक्टर्स जो वो क्या करते हैं, किसी पेशेंट्स के हार्ट बीट या पल्स को जो है वो चेक करने के लिए, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उनको चेक करने के लिए, उनके जो बीट है उनके पल्स को देखने के लिए ये स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम हिंदी में आला भी कहते हैं, तो आप लोग देखे होंगे, ओके। तो ये इसमें भी जो है वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही प्रिंसिपल काम करता है बच्चे। उसके बाद है आपका सोनार। तो सोनार का जो फुल फॉर्म है बच्चे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो बिल्कुल जाकर के देखिए, आपको सोनार का फुल फॉर्म पता चल जाएगा। और कभी कभी एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता भी है और आप लोग इसका आंसर बताओगे कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार में जो बच्चे आपको वहां बताया गया था कि किस तरह से जो है वो रिफ्लेक्शन साउंड के फिनोमिना के थ्रू, या फिर जो है जो आपके साउंड वेव्स होते हैं अंडर सी, जो मटेरियल्स है रॉ मटेरियल्स या फ्यूल वगैरह है, हम लोग किस तरह से सर्च कर लेते हैं या किस तरह से स्ट्राइक करवा करके हम लोग जो है वो उनका पता लगा लेते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे हम लोग रिफ्लेक्शन साउंड का इस्तेमाल करते हैं सोनार में। एक और भी डिवाइस होता है रडार, जो हम लोग जो है वहां पे डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें भी आपका कंसेप्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब तो आपके एप्लीकेशन है ही, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि हम लोग को पढ़ना भी है इस स्टैंड में, और वो है आपका इको, या हम कह सकते हैं इकोज। तो इकोज क्या है बच्चे, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इकोज क्या है और इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन को हम लोग
हायर क्लासेस में मींस नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे हम लोग, इस स्टैंडर्ड में हम नहीं पढ़ेंगे रिवर्बरेशन के बारे में, लेकिन हम लोग इकोस के बारे में पढ़ेंगे। इकोस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका कारण क्या है, हम लोग इकोस हर एक जगह सुनाई क्यों नहीं देता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि साउंड रिफ्लेक्ट हमेशा होते रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या साउंड जो है साउंड वेव्स हमेशा रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, ऑल द टाइम रिफ्लेक्ट होते रहता है जिस वजह से लाइट है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा बच्चे यस में, कि साउंड वेव जो है वो हमेशा रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इको हम लोग को हर एक जगह सुनाई नहीं देता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चे इस क्लास में नहीं अपकमिंग वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ अपकमिंग वीडियोस में, हम लोग देखेंगे इकोस के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन, कुछ डाउट, कुछ फीडबैक है तो आप मेरे फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल जियो फाउंडेशन का या फिर मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।